तो पिछले 24 घंटों से बिकमपुर में लाइट नहीं है और पब्लिक की हालत ख़राब है, और मैं अभी पब्लिक की रिकॉर्डिंग करके भी आप लोगों को भेज देता हूँ। तो स्टाफ है वो इंटरेस्टेड नहीं है, जयन यहाँ पे कभी बैठता ही नहीं है, पता नहीं जयन कौन है जो अपनी ड्यूटी बराबर प्ले नहीं कर रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा है। देखो कल शाम को जब अपने बारिश आई थी ना, तब लाइट गई थी 10-11 बजे के आसपास, जो आज 6 बज चुके हैं, मतलब कि 24 घंटा पूरे होने को 1820 घंटे हो गए और यहाँ पे लाइट नहीं है। और यहाँ पे मेरे हिसाब से स्टाफ की भी कमी, इनको फॉल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम रहती है। और सुबह अब ये लोग बोल देंगे कि वो पानी वाले बोल देंगे, वाटर डिपार्टमेंट वाले, कि लाइट दिन भर नहीं है पर 24 घंटे हम पानी कहाँ से दें, तो ये प्रॉब्लम। और तो कुल मिला के पानी वाले और लाइट वाले, बिजली वाले इस देश में कब सुधरेंगे पता नहीं, और हमारी हालत ख़राब है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ अपने जो ये ML है भंवर सिंह जी भाटिया, कोई भी, तो मैं तो ये कहता हूँ कि भैया वो जो नोक से बिकमपुर की कनेक्टिविटी है, अपना कलेक्टर विभाग है, IN है, JN है, XN है, तो उनसे एक ही कहना चाहता हूँ कि नोक से बिकमपुर के बीच में हमें कनेक्टिविटी दें, नोक से बिकमपुर है उनके बीच में हमें कनेक्टिविटी दें, और तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पे जितना भी है, यहाँ पे जो भी है, बिकमपुर से जो ये अपना बज्जू की जो ये ग्रिड की लाइन दी हुई है 33 KV की, वहाँ पे क्या बीच में जंगल आ जाता है, झाड़ियाँ आ जाती है, कहीं पे ट्यूबवेल आ जाते हैं, कहीं पे गांव आ जाते हैं, इस कारण लाइन एनी टाइम डिस्टर्ब रहती है। और ये जो लोग से बिकमपुर के बीच में कनेक्टिविटी होगी, यहाँ पे ना तो कोई जंगल है, ना झाड़ियाँ हैं, ना यहाँ पे कोई बीच में गांव है, ना यहाँ पे कोई ट्यूबवेल है, ओनली डेजर्ट है और पूरा रेगिस्तान है, प्योर रेगिस्तान, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी और बिजली भी अच्छी रहेगी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ।